नमस्कार। कर्नाटक में उठापटक शुरू हो चुकी है जैसा कि उम्मीद थी। हालांकि नतीजे सामने आ गए हैं, नंबर सामने आ गए हैं। बीजेपी को 104 सीटें, कांग्रेस को 78, जेडीएस को 37 और किसी के पास भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। अब सिर्फ नंबर्स का खेल है, जो एक वहां का इलेक्शन कमिश्नर भी कर सकता है कि एमएलएज को ओथ दिलवाइए, शपथ दिलवाइए, उसके बाद किसको पहले बुलाना है, यहाँ पर लेकर कन्फ्यूजन है, यहाँ पर लेकर विवाद है। जो परंपरा रही है उसमें जो लार्जेस्ट कोलिशन है, सबसे बड़ा गठबंधन है, उसको बुलाया गया है और उसको सही ठहराया गया है। सबसे बड़ी पार्टी को नहीं बुलाया गया, लेकिन एक ये भी परंपरा रही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है पहले उसको बुलाया जाए। इसको लेकर इस वक्त खींचतान चल रही है और एक जो बौद्धिक ईमानदारी होती है, जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होती है, वो अब एक शब्द बनकर रह गया। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कर्नाटक असेंबली में दो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेडी कुमारस्वामी। इन दोनों ने अपने अपने दावे ठोके हैं गवर्नर के सामने कि वो सरकार बनाने की हालत में हैं। जेडी कुमारस्वामी के साथ कांग्रेस है, उनका कहना है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, मेजॉरिटी हमारे साथ है। हालांकि तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। उधर येदियुरप्पा का कहना है कि हमें समय दिया जाए, हम अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे। समय किस बात के लिए दिया जाए? क्या एमएलएज का हृदय परिवर्तन करने के लिए दिया जाए कि उनको संस्कृति के, आध्यात्म के पाठ पढ़ाए जाएंगे और उनका हृदय परिवर्तन किया जाएगा? हाँ, या खरीदो फरोख्त होनी है। साफ सी बात है, समय देने का मतलब, गवर्नर द्वारा वक्त देने का मतलब ये है कि कीमत तय होनी है, कितने एमएलए टूटकर कहां से आते हैं। दूसरी तरफ जो सबसे बड़े गठबंधन को निमंत्रण देने की परंपरा है, वो गोवा में ऐसे हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उसको नहीं बुलाया, बीजेपी को बुलाया, क्योंकि कांग्रेस ने दावा ही पेश नहीं किया था। वो अपने आप में इतने संतुष्ट थे, मुतमइन थे कि गवर्नर हमें ही बुलाएंगी। गवर्नर जो कि राष्ट्रपति की रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी प्रतिनिधि हैं, उन्होंने खुद माना कि उन्होंने अरुण जेटली से बात की थी। हालांकि किसी गवर्नर का किसी सरकार के मंत्री से बात करना नहीं बनता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। बावजूद इसके उन्होंने बात की थी और भारतीय जनता पार्टी को बुलाया गया एज अ कोलिशन, एक गठबंधन की हैसियत से कि सरकार बने। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा सीटें थी बीजेपी से। मणिपुर में भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद मैं आपको बताऊं जो दो बातें और हैं देखने लायक, वो ये हैं कि एसआर बोमई जजमेंट का जिक्र किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जिक्र किया जाता है। गोवा के मामले में चंद्रकांत कवलेकर नाम के एमएलए ने 13 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, पिटिशन दायर की, कि गवर्नर का जो फैसला है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बुलाकर सरकार बनवाने का और मनोहर पारिकर को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाने का, वो गैर कानूनी है। बेंच में उस वक्त थे तब के चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आर के अग्रवाल। उन्होंने कांग्रेस का जो ऑब्जेक्शन था उसको रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि इंस्टेंट सेंसिटिव एंड कंटेंशियस इशू कैन बी रिजॉल्व बाय सिंपल डायरेक्शन रिक्वायरिंग द होल्डिंग ऑफ अ फ्लोर टेस्ट एट द अर्लीस्ट। जितनी जल्दी हो सके आप फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए, देख लीजिए किसके साथ कितने एमएलए हैं, उसकी सरकार बनवा दीजिए। ये समय देना क्या होता है? एक हफ्ते का वक्त चाहिए हृदय परिवर्तन के लिए या खरीदो फरोख्त के लिए? आप शपथ दिलवाइए, उसके बाद दो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को पहले बोलते हैं या गठबंधन को बोलते हैं, उसको लेकर बेंच का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी इज इन मेजॉरिटी देन इज द बाउंडेड ड्यूटी ऑफ द गवर्नर टू सी हु कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। जब कोई भी पार्टी बहुमत में ना हो तो तब ये फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है गवर्नर की, ये देखने की कि सरकार कौन बना सकता है। If nothing happens, then the governor is duty bound to call the leader of the single largest party. But if someone goes to the governor with a list of supporters, then it's a different issue altogether. अगर कोई सामने नहीं आ रहा है तब तो ठीक है, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुला लिया। लेकिन अगर कोई लोग सामने आए हैं, गठबंधन सामने आया है, साइन करके उन्होंने बताया है कि हमारे पास मेंबर्स हैं, तब दूसरी बात है, तब गवर्नर का फर्ज बनता है कि उनको बुलाए। हियर एट नो पॉइंट ऑफ टाइम You have demonstrated that they don't have the numbers, but you do. ये कांग्रेस को कह रहे हैं कि आपने यहाँ कहीं नहीं बताया कि आपके पास लोग हैं और उनके पास नहीं हैं।
ये गोवा मणिपुर का लेकर था। एसआर बोमाई जजमेंट ये कहती है कि अप्रैल 1989 में सोमप्पा रायप्पा बोमाई एसआर बोमाई 11वें मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, उनकी सरकार को राष्ट्रपति ने आर्टिकल 356 के तहत हटा दिया था। ये कहते हुए कि कुछ एमएलएज ने कहा है कि वो सरकार के साथ नहीं है। फिर ये जजमेंट आया था मार्च 1994 में। इसमें साफ कहा गया था कि फ्लोट टेस्ट इज द वैलिड मेथड ऑफ प्रूविंग मेजॉरिटी, जो संसद के या असेंबली के फ्लोर पर जो टेस्ट होता है, भाई आप दिखा दीजिए आपके पास कितने एमएलए एमपी हैं, आप दिखा दीजिए आपके पास कितने, तय हो जाएगा। ये तो एक इलेक्शन कमिश्नर भी कर सकता है ये काम। कर्नाटक का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो भी ये काम कर सकता है। ये राजभवन में परेड का क्या मतलब है और समय देने का क्या मतलब है। बहरहाल इस पर अरुण जेटली ने 15 मार्च 2017 को लिखा है और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि कहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुलाया गया क्योंकि उसके पास समुचित नंबर नहीं थे, समुचित एमएलए नहीं थे, बल्कि सबसे बड़े गठबंधन को बुलाया गया और उसे सही साबित किया है। तो उनका एक तो गोवा के बारे में कहना है कि मतलब ये लोग तो गए ही नहीं कांग्रेसी, जो सच्ची बात है, ये गए ही नहीं थे। इनको लग रहा था कि गवर्नर खुद ब खुद बुला लेगा और बाद में कहा कि हमें 21 तारीख का टाइम दीजिए, हम आपको बता देंगे कि कितने हमारे पास हैं। बीजेपी ने, माफ़ कीजिए, 21 तारीख नहीं, 21 तो बीजेपी ने एमएलएज की लिस्ट दी थी गवर्नर को और कांग्रेस ने तो लिस्ट भी नहीं दी थी, और 17 एमएलए थे इसके और बीजेपी के सिर्फ 13 एमएलए थे चुनाव में जो जीत कर आए थे। ठीक है जी, आगे सन 2005 का एग्जाम्पल देते हैं अरुण जेटली कि 2005 में भारतीय जनता पार्टी की 81 में से 30 सीटें आई थी झारखंड में, लेकिन जेएमएम के लीडर शिबू सोरेन जिनकी 17 सीटें आई थी उन्होंने गठबंधन बड़ा बना लिया था तो उनको मौका दिया गया था, शिबू सोरेन को, यानी बड़े गठबंधन को मौका दिया गया, सबसे बड़ी पार्टी को नहीं। ये 2005 में हुआ। फिर जम्मू कश्मीर में सन 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 28 एमएलए आए थे, सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन गवर्नर ने पीडीपी और कांग्रेस, इस वक्त पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट है, पीडीपी और कांग्रेस को बुलाया, जिनके पास पीडीपी के पास 15 थे और कांग्रेस के पास 21 थे, यानी 36 एमएलए का गठबंधन उसको बुलाया कि ये सरकार एक दे सकते हैं, मजबूत सरकार दे सकते हैं। उसके बाद सन 2013, अभी हाल ही की बात है, आपको याद होगा 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें जीती थी दिल्ली में, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 28 एमएलए थे, लेकिन कांग्रेस की सपोर्ट से उसको बुलाया गया था सरकार बनाने के लिए, गठबंधन को ही बुलाया गया था। और भी प्रेसिडेंट है, पहली कांग्रेस सरकार मद्रास में 1952 में बनी थी, गठबंधन को बुलाया गया था, 1967 में राजस्थान, 1982 में हरियाणा। ये जो डिबेट है कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाए या सबसे बड़े गठबंधन को बुलाया जाए, इसमें हम तो कहते हैं कि सीधा साधा तरीका ये है कि आप फ्लोर पर शपथ दिलवाइए पहले एमएलए को, फिर पूछिए कि हमें बताइए गठबंधन के साथ कितने एमएलए हैं, वो पता चल जाएगा आपको, बीजेपी के साथ कितने एमएलए हैं पता चल जाएगा आपको। ये समय देने का क्या मतलब हुआ, ये तो खरीदो फरोख्त करने की बात है सीधी सादी। और आरोप भी लगने शुरू हो गए कि 100 करोड़ रुपया पर एमएलए बीजेपी ऑफर कर रही है। ये बार बार कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या हो गई, लेकिन लोकतंत्र इतना मजबूत है कि उसकी हत्या होती ही नहीं। इस तरह के लोग इस तरह की हरकतें बेशक करते रहे। देखना ये है कि क्या असेंबली में फ्लोर टेस्ट होता है और हाथ के हाथ फैसला होता है कि नंबर किसके पास है, या राजभवन में परेड होती है, या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ये भी एक संभावना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बुलावा मिला, क्योंकि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है जबकि गठबंधन के पास ज़्यादा एमएलए हैं, तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। तो ऐसे में हमें समझ में नहीं आता वो सारा चुनाव, वो जिन्ना की आत्मा, वो नेहरू की आत्मा, शहीद भगत सिंह को बुलाना, हाँ 15 के बजाय 21 रैलियाँ करना, इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना, 18 कैबिनेट मिनिस्टर्स का वहाँ पर होना, इतना शोर शराबा, इतना खर्चा, ये सब किस लिए था अगर फैसला ऐसे ही होना था। हिंदी के मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की कविता का एक हिस्सा है छोटा सा, पक्ष और विपक्ष संसद में मुखर हैं।
रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन संसद में चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। पक्ष और विपक्ष संसद में मुखर हैं, बात इतनी सी है, कोई पुल बना है। अब अगर अब इसका शाब्दिक मतलब निकाला जाए, लिटरल मीनिंग निकाला जाए, तो पुल हमें सामने पुल दिखता है या फ्लाईओवर दिखता है। और अगर इसका मेटाफोरिकल मतलब निकाला जाए, जो दुष्यंत कुमार की इच्छा थी, ख्वाहिश रही होगी, कि जब पुल बनते हैं आपस में, कुछ MLA टूट कर इधर से उधर जाते हैं या इधर से उधर टूट कर जाते हैं, तो वो भी पुल बनाने का ही काम है। लेकिन मैं एक असली पुल की बात कर रहा हूँ। कल गंगा के पुत्र प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पुल बनते बनते गिर गया, फ्लाईओवर था वो। हुआ यूँ था कि जो उसकी बीम थी, बीम रखनी थी ऊपर, बीम रखी जा रही थी, लेकिन नीचे का ट्रैफिक बंद नहीं किया गया था, ना ही उसको डाइवर्ट किया गया था। तो एक बहुत बड़ी बीम नीचे आकर गिरी और उसके नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ, बस वगैरह सब दब गए और 18 लोग मारे गए और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। माँ गंगा के पुत्र का कहीं पता नहीं है कहाँ पर है वो इस वक्त। और माँ गंगा के पुत्र ने, प्रधान सेवक ने, एक स्टेटमेंट जारी की है। बेशक उनका कहना है, एक्सट्रीमली सैडन बाय द लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू द कलैप्स ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर इन वाराणसी। मुझे बहुत दुख पहुंचा है कि वाराणसी में जो पुल बन रहा था, फ्लाईओवर बन रहा था, उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया है। आई प्रे दैट द इंजर्ड रिकवर सून। मेरी प्रार्थना है कि जो जख्मी हुए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। स्पोक टू ऑफिशियल्स एंड आस्क देम टू इंश्योर ऑल पॉसिबल सपोर्ट टू दोज इफेक्टेड। मैंने अफसरों से बात की है और उनको कहा है कि जितनी भी ज़्यादा मदद हो सके, जितनी जल्दी काम हो सके, वो किया जाए। ये वही गंगा के पुत्र हैं, प्रधान सेवक हैं, जो एक एक वोट के लिए उस वक्त बनारस की गलियों में घूम रहे थे। आज एक दफ़े भी अभी तक वहाँ नहीं गए हैं हालचाल जानने के लिए कि उनकी ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का क्या हाल है। ज़रा देखिए चुनाव के वक्त क्या हाल था। हमारे हिसाब से तो प्रधान सेवक का जाना बनता है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। बेशक वो बनारस को क्योटो नहीं बना पाए हैं, बावजूद इसके उनका जाना तो बनता है। बेचारे बनारस के लोग, गंदगी वैसी की वैसी है। बनारस दुनिया के 14 प्रदूषित शहरों में से एक है। गंगा की सफाई नहीं हुई है, सिर्फ सतह की सफाई जो होती है, प्लास्टिक की बोतलें, पूजा का सामान, घाटों की सफाई वगैरह, वो हुई है। तो माँ गंगा के इस पुत्र से निवेदन है, वो जाएं, वरना ये समझा जाएगा कि ये एक दैविक संदेश है। ये उन्होंने ही कहा था जब 31 मार्च सन 2016 को, इनके 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे तब, 12:32 पर कोलकाता में विवेकानंद फ्लाईओवर का 60वां सेक्शन टूटकर नीचे गिर गया था और 26 लोग मारे गए थे। तब उन्होंने ये कहा था, अ ह्यूज ब्रिज कलैप्स्ड, एक इतना बड़ा पुल गिर गया। और ये लोग क्या कह रहे हैं, TMC की सरकार है ना, ममता बनर्जी की सरकार, और ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये भगवान का किया हुआ काम है, ये इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। क्योंकि ये बात कही थी के पांडुरंगा राव, ग्रुप हेड थे, HRN एडमिन, हैदराबाद बेस्ड कंपनी जो वो बना रही थी पुल, उनका कहना था इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। तब इनका कहना था कि ह्यूज ब्रिज कलैप्स्ड एंड व्हाट डिड दिस पीपल से, एक्ट ऑफ गॉड, इतना बड़ा पुल गिर जाए और ये लोग कह रहे हैं कि ये भगवान का किया हुआ काम है। दीदी यानी ममता बनर्जी, उनको अब एड्रेस करें, दीदी दिस इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान का काम नहीं है, बट एन एक्ट ऑफ फ्रॉड, इसमें फ्रॉड हुआ है। कलकत्ता के ब्रिज को लेकर तब प्रधान सेवक ने कहा था, इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग, ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। इन्होंने ये भी कहा प्रधान सेवक ने कि कलैप्स वॉज द रिजल्ट ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर बनर्जीज रूलिंग तृणमूल कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट। इस पुल का गिरना ये सबूत है कि ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है
उसमें भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है। तो प्रधान सेवक, अब आज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पुल गिरा है, आप इसे क्या कहेंगे? ये भगवान का काम है या भ्रष्टाचार का काम है या कोताही हुई है या अपने आप से ही बीम गिर गई है, आप क्या कहेंगे? कम से कम आपको जाना तो चाहिए वहां। नमस्कार, आप देख रहे थे जनगण मन की बात। हमारी आपसे एक बार फिर इल्तिजा है कि आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है द वायर न्यूज, उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें ताकि जब भी जनगण मन की बात का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए, जो हफ्ते में 4 दफे आता है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार।